हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता किचन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं पत्ता गोभी की मिक्स सब्जी हम कम टाइम में कैसे तैयार कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही शानदार और टेस्टी रेसिपी, पत्ते गोभी की सब्जी, जिसे आप बंद गोभी भी बोल सकते हैं। ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसे बनाना बहुत आसान है, सभी इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ट्राई करें। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए पत्ता गोभी को इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही यहाँ ले लिया है गाजर, शिमला मिर्च, आलू, मटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, सबको बारीक चॉप कर लेना है। पत्ता गोभी की सब्जी बनाने के लिए आप प्याज और लहसुन का यूज थोड़ा सा ज्यादा करें, टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। आलू को आप थोड़ा सा मोटा ही चॉप करें क्योंकि पत्ता गोभी के गलने में टाइम लगता है। अगर आप आलू को बहुत ज्यादा बारीक करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा गल जाएगा। तो चलिए फटाफट बनाना है। इसके लिए कढ़ाई रख लिया गरम करने के लिए। इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच तेल और तेल डाल के इन्हें गरम करेंगे। तेल गरम हो गया, इसमें डाल देंगे हींग, डाल देंगे 2 तेजपात, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची और थोड़ा सा यहाँ डाल देंगे दालचीनी। साथ ही डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा और डालने के बाद इन्हें हल्का सा भून लेंगे ताकि खड़े मसाले का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। जीरा हल्का सा भून गया, डाल देंगे इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और इन्हें डाल के हल्का सा भून लेना है। लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। ये हल्का सा भूनने के बाद डाल देंगे प्याज। पत्ता गोभी की सब्जी आप जब भी बनाते हैं लहसुन और प्याज का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करें। और प्याज को डालने के बाद इन्हें पिंक होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे और आप देख सकते हैं प्याज हल्का सा पिंक हो गया। और अब यहीं डाल देंगे आलू और आलू को भी डाल के हल्का सा भून लेना है। आप देख सकते हैं प्याज के साथ आलू भी हल्का सा फ्राई हो गया। अब यहाँ ही डाल देंगे गाजर, साथ ही डाल देंगे शिमला मिर्च, इन्हें भी डाल के हल्का सा मिक्स कर लेंगे और अभी इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। शिमला मिर्च हमने यहाँ पहले इसलिए डाला है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए। आप देख सकते हैं शिमला मिर्च, आलू और गाजर हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब यहीं डाल देंगे पत्ता गोभी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद 8 से 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा गल जाए। 8 से 10 मिनट हो गया, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक का यूज आप थोड़ा सा रुक के करें, नहीं तो सब्जी गल जाने के बाद नमक ज़्यादा हो जाता है। सब्जी थोड़ी सी गल के कम हो गई, अब यहाँ डाल देंगे नमक। नमक को अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने के साथ ही यहाँ डाल देंगे हरा मटर। मैंने यहाँ फ्रेश मटर का यूज़ किया इसलिए अभी कर दिया है। अगर आप फ्रोजन मटर का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे थोड़ा रुक के डालें। मटर डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे और इन्हें स्लो फ्लेम पे या वैसे ही ढक के पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हो गया, इन्हें चेक कर लेंगे। एक बार फिर इन्हें ऐसे ही करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहीं ऐड कर देंगे टमाटर, यहाँ ऐड कर देंगे बेसिक मसाले, डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च डालने से तीखा नहीं होता है, कलर अच्छे आते हैं। फिर हम मसाले ऐड करने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को स्लो ही रखेंगे और इन्हें ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आपका पत्ता गोभी ताज़ा है तो उससे पानी रिलीज होगा, आप देख सकते हैं पानी रिलीज हो रहा है। साथ ही यहाँ डाल देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती, धनिया की पत्ती थोड़ा सा भी यहीं डाल देंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब इन्हें ढक के 4 से 5 मिनट पकाएंगे। बीच बीच में इन्हें ऐसे ही करते हुए मिक्स करते रहें ताकि सब्जी नीचे से जले ना और अच्छे से मिक्स हो जाए। देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया, ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो प्लीज़ ट्राई करें, आपकी फैमिली को बेहद पसंद आएगा। 4 से 5 मिनट के लिए इन्हें ढक के एक बार फिर पका लेंगे। एक बार फिर इन्हें ऐसे ही करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी लगभग बन चुकी है। अब यहीं डाल देंगे 1/2 स्पून गरम मसाला, फ्लेम को मीडियम कर देंगे और साथ ही यहाँ डाल देंगे धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम मसाला डालने के बाद इन्हें ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बार फिर इन्हें ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्लेम को स्लो कर दें, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी परफेक्ट सब्जी बन के रेडी हो गया है। इनको बंद कर देंगे, इन्हें ढक देंगे 2 से 4 मिनट के लिए, उसके बाद इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। 5 मिनट हो गया है तो चलिए फटाफट इन्हें गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इन्हें ऐसे ही करते हुए सर्व कर लेंगे। आप इसे रोटी, पूड़ी और पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अब यहाँ डाल देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती। अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया है तो पत्ता गोभी की मिक्स सब्जी एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं कैसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए देखते रहें अंकिता किचन। एक बार ये पत्ते गोभी वाली परफेक्ट सब्जी बना के तैयार कर लेंगे तो होटल और ढाबे की सब्जी खाना भूल जाएंगे।